गाइस, अगर आप लोगों को भी इस तरह का स्टेटस बनाना है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसी टोन में अगर बनाना है और अगर पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हम पहले तो वी एन ऐप से बनाएंगे, फिर फाइन मास्टर में जाएंगे। तो पहले हम वी एन ऐप को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस वाला आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे जाना है। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको फोटोज में जाना है और जिस फोटो से स्टेटस बनाना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। टोटल मैं यहाँ पे 13 फोटो सिलेक्ट कर लेती हूँ। स्टोन में अगर बनाना है तो 13 फोटो लगेगी, देख सकते हैं 13 फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर ऊपर आपको यहाँ पे म्यूजिक का ऑप्शन आ रहा होगा, उसके बाद उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है। अब आपको अगर यही वाला टोन चाहिए तो यहाँ पे आपको प्लस वाले आइकन पे जाना है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे जाना है। और ये वीडियो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करने के बाद वीडियो को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे ओके कर देने से साउंड जो आ जाएगा सबसे ऊपर में ही आएगा, ये देखिए। और यहाँ से इसको चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, म्यूजिक बीट्स लगाना है। तो यहाँ पे म्यूजिक बीट्स पे जाएंगे और एक एक बीट्स को लगा लेंगे। तो चलिए म्यूजिक को सुन सुन के एक एक बीट्स को लगा लेते हैं। पहला जो बीट्स है वो यहाँ है, आप देख सकते हैं। ऐसे करके मैंने बीट्स को लगा लिया है। यहाँ पे टोटल 12 बीट्स लगेंगे, 12। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो राइट वाला ऑप्शन आ रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से राइट पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 फिंगर से ऐसे करके बढ़ा लेंगे ताकि हम बीट के साथ सही से पिक को लगा सकें। ऐसे कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने, फर्स्ट वाले बीट पे आने, ऐसे करके पिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ट्रिम पे जाना है और यहाँ से 1 सेकेंड पे कर लेंगे। तो उसके बाद राइट पे क्लिक करना है। तो पिक देखिए ऐसे करके थोड़ा छोटा हो गया, तो इसको यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे करके आगे लेके आ जाएंगे। ट्रिम नहीं करने से आप देख सकते हैं कि ट्रिम नहीं करने से देख सकते हैं आप इसको कितना लंबा है। तो इसको यहाँ से फिर ऐसे करके लेके जाना पड़ेगा। उससे अच्छा हम एक ट्रिम कर लेंगे। 1 सेकेंड आएंगे और राइट पे क्लिक, तो ये देखिए ऐसे पास में आ गया। तो इसको ऐसे करके थोड़ा सा बढ़ा देने से ही चल जाएगा। उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे आने, ट्रिम पे जाना है 1 सेकेंड और इसको ऐसे करके आगे लेके आ जाएंगे। फिर से आपको यहाँ पे आने, ट्रिम पे जाना है 1 सेकेंड। आप यहाँ पे ऐसे करके इसके बाद फिर से सेकेंड वाले पिक पे आएंगे, ट्रेन पे जाएंगे 1 सेकेंड और इसको ऐसे करके सामने लेके आ जाएंगे। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस ब्लैक वाला ऑप्शन पे जो इनपुट टाइटल दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से डिलीट कर देना है। तो आप देख सकते हो वहाँ से डिलीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ओरिजिनल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे जाके यहाँ पे 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आपको अगर कुछ और रेशियो पे ये करना है, बनाना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं इतना सारा है। फिलहाल मैं इसे बनाई थी तो आपको उसी पर बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पिक को छोड़िए, सेकेंड वाले पे आना है और यहाँ पे आपको ये जूम वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले पिक पे आना है, इफेक्ट्स में जाना है, एफएक्स जो दिख रहा है। उसके बाद आपको इधर लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको जूम आउट 2 दिख रहा होगा, तो ये बहुत जो इसका ड्यूरेशन है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो उसको बैक आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले पिक को सिलेक्ट करना है इसको। उसके बाद एफएक्स पे जाना है, इधर लास्ट में आना है।
और यहाँ पे जूम आउट 2 को लगा देना है ऐसे करके। उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक हो चुका है, अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले पिक पे आना है और यहाँ पे फिर से एफएक्स पे जाना और यहाँ से इसको नॉन कर देना है, यहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दो पिक के बाद जो थोड़ा सा गैप में आ रहा है पिक, तो उसको सिलेक्ट करना है, एफएक्स में जाना है और यहाँ आपको ये अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से फर्स्ट वाले को छोड़ के ये दो पिक को छोड़ के ये थर्ड वाले पिक पे आना और एफएक्स में जाना और यहाँ से आपको जूम इन वाला जो इफेक्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर से वापस से दो पिक को छोड़ के एफएक्स पे जाना है और यहाँ से जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है। वापस से टू पिक के बाद एफएक्स में जाना है और जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको इस एक्सपोर्ट कर लेना है, ऊपर वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ से राइट पे क्लिक करके यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं कर चुकी इसलिए नहीं कर रही। उसके बाद आपको आना है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको काइंड मॉन्स्टर को ओपन करना है। उसके बाद 9 सेकेंड है, उसके बाद इधर नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे आने के बाद आपको जो वीडियो आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था उसको यहाँ पे ले लेना है। तो चलिए ले लेते हैं वीडियो। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं वही वाला वीडियो है। उसके बाद आपको क्या करना है, शुरू में आना है और यहाँ से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और आपको एक PNG ब्लैक कलर का PNG इमेज आएगा, उसको यहाँ पर ऐसे करके सेट कर लेना है और ऐसे करके लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ से आपको ये वाला इसको फिल स्क्रीन कर लेना है इस पार्टिकल वीडियो को और यहाँ से लास्ट पे आना है और यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करके ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद यहाँ पे स्क्रीन कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर इधर एडजस्टमेंट पे जाना है, इधर नीचे। उसके बाद यहाँ पे आपको उसको एक 130 या फिर इतना देख सकते हैं, 140 के आसपास में सही है, वो ऐसा करके रख लेना है। उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको फिर से शुरू में आ जाना है, लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और यहाँ पे यहाँ से आपको और एक पार्टिकल वीडियो को ले लेना है, ये वाला। उसके बाद यहाँ पे इसको भी फिल स्क्रीन कर लेना है और इधर लास्ट में आना है इतने दूर पे और यहाँ से कट कर लेना है, आगे का हिस्सा कट कर लेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग पे जाएंगे और यहाँ से आप यहाँ पे स्क्रीन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको इसको एडजस्ट में जाना है और इसका इसको कलर यहाँ नीचे जाना है और यहाँ से इसका कलर ऐसे करके चेंज कर लेना है। इतने पे रखेंगे 118 -118 पे आप देख सकते हैं सही दिख रहा है। उसके बाद आपको बैक आना है, मतलब राइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपका जो लोगो है वो लिख लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके वीडियो रेडी हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू। और यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ से वीडियो को सेव कर लेंगे तो वीडियो सेव हो जाएगा।